नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। भीम आर्मी संविधान रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत निमसटकर का दौरा इन दिनों संयुक्त आदिलाबाद जिले में हो रहा है। संयुक्त जिले में भीम आर्मी की मजबूती के लिए आवश्यक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इस विषय पर जिला केंद्र में एक बैठक तैनात की गई। इस संदर्भ में भीम आर्मी संविधान रक्षक दल के राज्य के जिला नेताओं ने स्थानिक दुर्गम ट्रस्ट कार्यालय में ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गम शेखर द्वारा आयोजित एक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलों में भीम आर्मी की नई कार्यकारिणी की नियुक्ति संबंधी मामले के अलावा भावी गतिविधियों पर भी व्यापक चर्चा हुई। फिर दुर्गम ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गम शेखर को ट्रस्ट के तत्वाध्यान में चलाई जा रही है समाज सेवा की गतिविधियों की सराहना करते हुए उन्हें शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्गम शेखर ने कहा कि आने वाले दिनों में भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूषण देवगढ़े, भीम आर्मी के प्रदेश सचिव दिवस कांबळे, विक्की राउत, विभांशु पाटिल, बबलू निमसटकर, अंबेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बाबा साहेब कांबळे, रमाबाई महिला मंडल के जिला अध्यक्ष शोभाताई तुळजापुरे और बैठक में अन्य लोगों ने भीम आर्मी एक तरी आहे, भीम आर्मीचं काम समाज आपल्यावर बोट। मी तेलंगणा स्टेट प्रेसिडेंट संविधान रक्षक दल प्रशांत निमसटकर, आज आदिलाबाद में आज मीटिंग ली गई हमारे दुर्गम जी शेखर ट्रस्ट इनके माध्यम से, जो इनका जो काम है वो काम को देख के हम यहाँ पर आए। इनका बहुत अच्छा काम है समाज में और अच्छे समाज सेवक भी है। यहाँ हम आकर यहाँ पर शोभा ताई है जो अच्छे काम करते हैं यहाँ पर, उनका भी अच्छा नाम है। और अलग अलग यहाँ कांबळे जी है हमारे, यहाँ दलित भाई है, इनके अलग अलग संगठन जो है वो बाबा साहब के विचारों पर चलती है और भीम आर्मी संविधान रक्षक दल भी बाबा साहब के विचारों पर ही चलती है। और है हम यहाँ आकर हमारे जो विचार है बाबा साहब के, ये सभी एक ही विचार पे चलने वाली संगठन होने के कारण हम आज ये विषय पर या मीटिंग किए कि आगे चलकर भीम आर्मी और जो अदर जितने भी संगठन है सब साथ मिलकर काम करेंगे, ये विषय पे आज हमने दुर्गम जी इनके पास आकर ऑफिस में मीटिंग करके चर्चा की।